May God have mercy on your soul! मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक चर्च को दिखाया जाता है जहां पर एक फादर प्रीच कर रहे होते हैं। इसी प्रीच में दो कपल जिनमें मिस्टर एंड मिसेस हिगिन्स और उनके नेबर जोहन और उसकी वाइफ मिया होते हैं। ये चारों लोग अपनी गाड़ी में चर्च से अपने घर वापस आ रहे होते हैं। जोहन की वाइफ मिया है जो कि प्रेग्नेंट है। घर में एंटर होने से पहले मिया जोहन को कहती है कि उन्हें अपने होने वाली बच्चे की बात मिस्टर एंड मिसेस हिगिन्स के सामने नहीं शेयर करनी चाहिए थी क्योंकि दो साल से उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं होता। मिया की बात सुनकर जोहन उसके साथ मजाक करता है कि वो लापता नहीं है बल्कि वो हिपिस के साथ भाग गई है। रात के वक्त जोहन और मिया आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी जोहन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट एक अनाबेल डॉल होती है। फिर आधी रात को जब जोहन और मिया सो रहे होते हैं तभी मिस्टर एंड मिसेस हिगिन्स के घर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिस पर मिया की आंख खुल जाती है। मिया फौरन जोहन को उठाती है और फिर जोहन मिस्टर एंड मिसेस हिगिन्स के घर पर जाता है। जोहन जब उन लोगों के घर से बाहर आता है तब वो काफी घबराया हुआ होता है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। जोहन मिया के पास आकर उसे कहता है कि ये उसका ब्लड नहीं है और वो जल्दी घर जाए और फौरन एम्बुलेंस को फोन करे। उधर मिया एम्बुलेंस को कॉल करती है तब उसे अनाबेल डॉल वाले रूम से एक लड़की नजर आती है। उस लड़की ने अनाबेल डॉल को अपनी गोद में लिया होता है और वो मिया के पास आती है और वो लड़की मिया को काफी डरा देती। ठीक उसी वक्त मिया के पीछे से एक आदमी भी आता है जो उसे चाकू से बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी फौरन वहाँ पर जोहन भी पहुँच जाता है। वो मिया को बचाते हुए उस आदमी पर हमला करता है। वो उसे काफी मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो चाकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। वो लड़की उस चाकू को उठा लेती है लेकिन इससे पहले वो मिया पर हमला करती, जोहन उसे पकड़ लेता है और दीवार की तरफ घसीटता है। वो उस लड़की से चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है और वो जोहन पर हमला करके उसे भी शदीद जख्मी कर देता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक रूम में बंद कर लेती है लेकिन इससे पहले वो आदमी उन दोनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता, पुलिस फौरन वहां पर पहुंच जाती है और उसे शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने उसी रूम में जाते हैं और जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वो देखते हैं कि वो अपना गला काट कर सुसाइड कर चुकी है। एक अजीब बात ये होती है कि जब वो लड़की सुसाइड कर रही होती है उस वक्त भी वो अनाबेल डॉल उसके गोद में होती है जिससे उसके खून के दो चार कतरे अनाबेल डॉल के फेस पर गिर जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है, वो ये है कि ये लड़की कोई और नहीं होती बल्कि ये जैनिस होती है उन्हीं अनाबेल क्रिएशन की, और इस जैनिस को मिस्टर एंड मिसेस हिगिन्स ने गोद लिया होता है। दूसरी तरफ मिया हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। मिया और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत होते हैं लेकिन वो रात वाले वाकये की वजह से काफी अपसेट होती है। हालांकि जोहन उसे संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस वाकये की वजह से उसके होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान सोच कर वो काफी अपसेट होती है। फिर आधी रात को जोहन और मिया सो रहे होते हैं तब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और जब जोहन जाकर देखता है वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही है। जोहन मशीन को बंद करता है और दूसरे रूम में चेक करता है। वो डॉल वाले रूम में भी जाता है तब वो देखता है कि अनाबेल डॉल जमीन पर दरवाजे के पास गिरी हुई है। जोहन अनाबेल डॉल को उठाता है और उसे एक चेयर पर रख देता है। फिर नेक्स्ट डे जब मिया उस डॉल को देखती है तब वो अच्छा फील नहीं करती और वो जोहन को ये भी बताती है कि जब उस लड़की ने सुसाइड किया था तब ये डॉल उसकी गोद में थी और हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जोहन उसकी बात मानकर अनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर एक दिन डिटेक्टिव जोहन और मिया के घर पर आता है। वो उन दोनों को बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिन्स का मर्डर उनकी बेटी और उसके फ्रेंड ने किया था। डिटेक्टिव उनको ये भी बताता है कि वो लोग शैतान को मानने वाले ग्रुप के मेंबर भी थे और ये मर्डर उन्होंने अपने किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। ये सब बातें सुनकर मिया काफी डर जाती है और वो अपने और जोहन की प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद जोहन को किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है और अब मिया घर पर अकेली होती है। तब उसके साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो सेविंग मशीन में मिया का हाथ आ जाता है और उसकी उंगली काफी जख्मी हो जाती है। इसके बाद खुद ब खुद चूल्हा जल जाता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। आग काफी फैलती जाती है और जब मिया बढ़ती हुई आग को देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है तब कोई ताकत उसे उसके पांव से पकड़ के पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है लेकिन फिर फौरन ही वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और मिया की जान बच जाती है। वो लोग मिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर उसका बेबी पैदा हो जाता है और जोहन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब वो इस वाकये के बारे में सुनता है तो वो काफी परेशान हो जाता है लेकिन वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को देखकर काफी खुश हो जाता है।
मियाँ जो उनको कहती है कि अब वो उस घर में वापस नहीं जाएगी क्योंकि उस घर में बहुत बड़ी शैतानी ताकतों का कब्जा है। जोहन मियाँ की बात सुन लेता है और वो इस पर एग्री हो जाता है और वो एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मियाँ और जोहन अपनी लाइफ में अब बहुत खुश होते हैं और वो अपनी बेटी का नाम लिया डिसाइड करते हैं। फिर जब वो लोग अपने नए घर में आके पुराने घर का सामान अनबॉक्स करते हैं तो मियाँ को एक बॉक्स में वो अनाबेल डॉल भी मिल जाती है। उस डॉल को देखकर जोहन काफी हैरान हो जाता है। वो मियाँ से पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई। उसने खुद इसे अपने हाथों से डस्टबिन में फेंका था और वो इसे दोबारा फेंकने का कहता है, लेकिन मियाँ उस डॉल को फेंकने से इनकार करती है। वो कहती है कि जोहन ने उसे ये गिफ्ट दिया था और वो इसे नहीं फेंकी। इसके बाद वहाँ पर शैतानी वक्त शुरू हो जाता है। मियाँ जब टीवी देखते देखते सो जाती है तब टीवी अचानक रुक जाता है और उसी वक्त वहाँ पर अनाबेल का साया दिखाई देता है। अनाबेल मियाँ की बच्ची के पास आती है और वो बच्ची उसे देखकर रोना शुरू कर देती है। बच्ची के रोने की आवाजें सुनकर मियाँ की आंख खुल जाती है। मियाँ अपनी बच्ची को उठाकर बाहर आ जाती है और जब वो अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है तब वहाँ पर उसे दो बच्चे नजर आते हैं जो आपस में बहन भाई होते हैं। उन दोनों बच्चों में से भाई एक पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपनी बहन को मना करता है कि वो मियाँ से बात ना करे क्योंकि वो उनके लिए अननोन पर्सन होती है। घर से बाहर मियाँ एक बुक शॉप पर जाती है और उस बुक शॉप की ऑनर से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो मियाँ को एक बुक गिफ्ट देती है। जब मियाँ घर वापस आती है तब सीढ़ियों पर उसे ड्राइंग पेज मिलता है जिस पर उस बच्चे ने पेंटिंग की थी। पहली पेंटिंग एक माँ और उसके छोटे से बेबी की होती है और फिर लास्ट पेंटिंग में उस बेबी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ये देख कर मियाँ को काफी अजीब लगता है और ये बात वो जोहन से भी शेयर करती है जिस पर वो कहता है कि वो इन बच्चों के पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेगा। अगले दिन जब मियाँ जोहन का डिनर पर इंतजार कर रही होती है तब उसके साथ अजीब वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। मियाँ जब म्यूजिक प्लेयर को बंद करती है तो वो फिर से दोबारा चलना शुरू कर देता है। इसके बाद सिलाई मशीन भी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। उसी वक्त मियाँ को वहाँ पर एक बच्ची भी नजर आती है। मियाँ उससे पूछती है कि वो कौन है तो वो बच्ची तेजी से मियाँ की तरफ भागती है और देखते ही देखते एनाबेल में कन्वर्ट होकर मियाँ पर अटैक कर देती है। ये देखकर मियाँ काफी डर जाती है और उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती है जो काफी डरावनी आवाज थी। ये सब कुछ मियाँ जब जोहन को बताती है तो पहले तो वो उसे इसका वहम कहता है लेकिन बाद में वो कहता है कि वो उसके लिए फादर से जरूर बात करेगा। फादर मियाँ की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते लेकिन वाकई ही मियाँ के साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी जो रुक नहीं रही थी। इसके बाद मियाँ बेसमेंट में स्टोरेज एरिया में जाती है तब उसे वहाँ पर एक शैतान नजर आता है। उस शैतान के बहुत बड़े बड़े नेल्स होते हैं और वो अपने नेल्स की मदद से मियाँ को शदीद जख्मी कर देता है जिस पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे वहाँ से भागने भी नहीं देता। मियाँ लिफ्ट से बार बार अपने फ्लोर पर पहुँचने की कोशिश करती है लेकिन बाय चांस लिफ्ट उसी ही फ्लोर पर दोबारा दोबारा खुलती रहती है और आखिरकार जब मियाँ सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है तब वो शैतान वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता लेकिन मियाँ किसी तरह भागकर अपने फ्लैट में पहुँच जाती है। फिर अगले दिन मियाँ जब अपने जख्म चेक करती है तब वो देखकर काफी हैरान हो जाती है कि अब उसके हाथ पर उन नाखूनों के निशान नहीं थे। फिर मियाँ डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है और एनाबेल और उसके सारे ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है। तभी मियाँ देखती है कि एक फाइल में जहाँ पर अनाबेल की डेड बॉडी है उसके साथ एक निशान है और ये वही निशान था जो उस शैतान ने मियाँ के हाथों पर भी बनाया था। और वहाँ पर मियाँ को एनाबेल की बचपन की पिक्चर भी मिलती है और ये पिक्चर उसी बच्ची की थी जो उसे अपने घर में नजर आई थी। डिटेक्टिव मियाँ को बताता है कि अनाबेल और उसका साथी शैतान इन दोनों का मकसद लोगों को जान से मारना है। इसके साथ साथ उनका मकसद किसी बड़ी ताकत को खत्म करना भी है और ये सब कुछ वो शैतान के लिए करते थे क्योंकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहता था। इसके बाद मियाँ बुक स्टोर पर जाती है और इविल्स प्रोटेक्शन से रेलिवेंट एक बुक परचेज करती है। इतनी ही देर में उस बुक शॉप की ऑनर यानी मियाँ की फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पूछती है कि मियाँ इतनी अपसेट क्यों हैं, जिस पर पहले तो मियाँ काफी हिचकिचाती है और फिर बताती है कि उसकी फैमिली पे किसी जिन भूत का साया है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि उनके ऊपर किसी जिन भूत का साया नहीं है बल्कि वो किसी शैतान की परछाई है। वो उसे ये भी बताती है कि ये शैतान जब तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेगा तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता। मियाँ उसी बुक में शैतान से जान छुड़वाने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है और उसी वक्त वो शैतान मियाँ की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो मियाँ को भी काफी डरा देता है लेकिन फौरन वहां पर जोहन भी पहुंच जाता है। जोहन फादर को बुलाकर कहता है कि ये डॉल उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी थी लेकिन पता नहीं किस तरह की वो इनके साथ इस घर में भी आ गई है, जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि ये शैतान अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए इस किस्म की चीजों को अपना सोर्स बनाते हैं और इस केस में उनका सोर्स ये अनाबेल डॉल है।
और ये शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को ही चूज करते हैं जो अपनी जान खुद ले सके, तभी वो लोगों को इस कदर टॉर्चर करते हैं कि वो तंग आकर अपनी ही जान ले लेते हैं। फादर उन्हें ये भी कहते हैं कि मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाता हूँ, अगर ये चर्च में रहेगी तो इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर जब फादर अनाबेल को चर्च में लेकर जा रहे होते हैं तब उन्हें उसकी कुछ शैतानी ताकत नजर आती है, और जब फादर चर्च के अंदर उस डॉल को लेकर एंटर होते हैं ठीक उसी वक्त उस अनाबेल का गोस्ट वहां पर पहुंच जाता है जो फादर को जख्मी कर देता है और अनाबेल को वहां से ले जाता है। और दूसरी तरफ एवलीन जो मियाँ की फ्रेंड उस बुक शॉप की ऑनर मियाँ के साथ रहते हुए उसकी काफी हेल्प करती है, यहाँ तक कि वो लिया को भी संभालने में उसकी काफी मदद करती है। इसके बाद फादर हॉस्पिटल होते हैं और जब उन्हें होश आता है तब वो जो उनको बताते हैं कि उन्होंने भी अनाबेल का गोस्ट देखा है और वही उसकी डॉल को वहां से ले गया। फादर जो उनको ये भी बताते हैं कि उनका मकसद लिया की जान लेना है, लेकिन लिया एक छोटी बच्ची है और वो अपनी जान खुद तो नहीं दे सकती और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये बातें सुनकर जोहन काफी परेशान हो जाता है, वो फौरन मियाँ से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ये शैतानी ताकतें उन दोनों का आपस में रابطہ होने नहीं देती। तभी फौरन मियाँ के डोर पर नॉक करता है, जब मियाँ डोर ओपन करती है तो वहां पर देखती है कि वो फादर हैं, लेकिन असल में वो फादर नहीं होते बल्कि फादर के रूप में शैतान होता है जो उसे डराने आया था। इसके बाद मियाँ को अपनी बेटी की रोने की आवाज आती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन कहीं भी उसे अपनी बेटी नहीं दिखाई देती, जिस पर एवलिन उसको कहती है कि हम लिया को बाद में ढूंढ लेंगे, हमें फिलहाल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और तभी फिर से ऊपर वाले फ्लोर से ड्रावनी चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और एक बार फिर से वहां पर शैतान पहुंच जाता है। वो अपनी इविल पावर से उन दोनों को फ्लोर से उठाकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। मियाँ फिर से अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसके ढूंढने के बावजूद भी वो उसे नहीं मिलती और मियाँ को वो अनाबेल डॉल नजर आती है, जिससे मियाँ ये पूछती है कि उसे क्या चाहिए और फिर उसे लिया के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलता है। जब मियाँ उस रूम में पहुंचती है तो उसके छत पर लिखा होता है कि उन्हें लिया की सोल चाहिए और उसके झूले में लिया की जगह एक शैतानी डॉल लेटी होती है। वो शैतान मियाँ को काफी परेशान करता है और मियाँ मुसलसल रो रही होती है और उस शैतान को कहती है कि वो उसकी बेटी उसे वापस दे दे और मेरी बेटी की जान छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर शैतान उसे जवाब देता है कि अगर वो लिया की सोल नहीं लेगा तो उसके बदले में मियाँ को अपनी सोल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और अचानक से उसे एक क्लू मिलता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मियाँ अपनी बेटी की जगह अपनी सोल देने के लिए सेक्रीफाइस हो जाती है। वो उस डॉल को अपनी गोद में लेती है और खिड़की से भी कूदने वाली होती है कि वहां पर जोहन और एवलिन पहुंच जाते हैं। जोहन मियाँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मियाँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अभी कूदने ही वाली होती है कि जोहन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर जोहन और एवलिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहती है कि शैतान उसकी बच्ची को ले गया है और वो उसे एक ही शर्त पे वापस करेगा, जब वो मियाँ की सोल को ले जाएगा। ये बातें सुनकर एवलिन उस शैतानी डोल को उठाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। इस सेक्रीफाइस की वजह से जोहन और मियाँ की बेटी उन्हें वापस मिल जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और फिर मियाँ और जोहन फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ना ही वो शैतानी डॉल उन्हें नजर आती है। लेकिन वो डॉल पुलिस वालों को भी नहीं मिली थी और फिर अनाबेल डॉल एक शॉप में दिखाई जाती है, जहां पर उसे एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए परचेज करती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।